अभी मैं पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश राज्य के कन्नौज जिले में। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे कन्नौज का रेलवे स्टेशन है। कन्नौज रेलवे स्टेशन से आ रहा है हरदोई की तरफ और ये रास्ता निकल जाता है हरदोई को। तो अभी हम यहाँ क्यों जा रहे हैं भाई? विकास भाई का जो घर है ना वो हरदोई जिले के रीजन में पड़ता है। मतलब रोको रे ट्रेन को दादा, कड़े लेट जा रही थे। अरे उतरने से माने भाई, उधर कड़े लेट जाओ लो। अरे मेरा स्टेशन गया भाई स्टेशन। अरे गाड़ी रोक रहा है, थाम थाम भाई गाड़ी रोक। अरे तो भाई हमारे साथ हो गया स्कैम। अभी आप ही देख सकते हैं पीछे कन्नौज का बोर्ड और ड्राइवर जो है ना भाई बिल्कुल कोने में ले जाके छोड़ दिया। अब यहाँ से मेन स्टेशन तक जाओ पैदल पैदल आगे आगे। तो अभी हम स्टेशन पे आगे आगे तक जाएंगे और रास्ते का नज़ारा दिखाएंगे। चाय 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 चाय, चलो चाय भी पी लेते हैं और नींद तो खुली गई। खैर इतनी दूर पैदल चलेंगे अभी तो और खुल जाएगी अच्छे से। होटो से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। बाहर से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है कन्नौज। ये उर्दू में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में और ये हिंदी में। तो फिर चलते हैं। लो भाई वो वाली बना, वो वाली आराम से डाल दूंगा। हाँ हाँ गर्मा गर्म बैठ जाए। तो दोस्तों अभी हमने चाय पी ली है और चाय पीने के बाद में आपको पता है कि पेट के अंदर कुछ क्रियाएं होती हैं और उस क्रियाओं के बाद में फिर हमें कहीं भगना पड़ता है। तो अभी हम वहीं भग रहे हैं भाई। सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और फिर उसके बाद में फिर हम चलेंगे फटाफट से फ्री होके विकास भाई के घर और रास्ते के भी नज़ारे आपको दिखाएंगे। चलिए पहले चलते हैं स्टेशन चलते। अभी मैं पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश राज्य के कन्नौज जिले में। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे कन्नौज का रेलवे स्टेशन है और आज एक दिन में तो घूमना पॉसिबल नहीं है कन्नौज को, लेकिन मैं छोटा छोटा आपको बता देता हूँ। जो कन्नौज है ना उसे इत्र की नगरी भी कहा जाता है और यहाँ के इत्रों से पूरा शहर सुगंधित, क्या पूरा विश्व सुगंधित रहता है। यहाँ से इत्र बाहर भी सप्लाई होते हैं। तो यहाँ घूमेंगे और आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। ये है भाई भूसा, भूसा बिकता है यहाँ पे, वो गेहूँ का जो कटता है ना
जो बचता है भूसा, तो वो है सब जगह पे भूसा भूसा भरा पड़ा है। ई रिक्शा लो चाहे जीप लो, तो ये जो भूसा है ना भाई, ये इत्र के प्रोसेस के अंदर में लिया जाता है। और ये वो वाला भूसा नहीं है जो दिमाग में भरा रहता है, लेकिन डायलॉग में आता है कि भाई दिमाग में भूसा भरा है क्या, यदि किसी को बोलना होता है तो बड़ा ही विचित्र डायलॉग है। माल देखो कितना भर रखा है भाई, है ना, कितना माल भर रखा है। राजीव गांधी ने किया ये भाई, मेहंदी घाट पुल है और नदी कौन सी है, ये गंगा नदी। ये है भाई गंगा नदी, जो कि बहुत फेमस है। और ये जो पुल है, इसका जो निर्माण करवाया था, उद्घाटन करवाया था, वो राजीव गांधी जी ने करवाया था, श्री राजीव गांधी जी ने। तो बहुत पुराने समय की बात है ये। देखिए कितनी बड़ी नदी है, हालांकि थोड़ा सूख गई है। यहाँ कांवड़ियों की बहुत भीड़ लग जाती है। कांवड़ियों की इतनी भीड़ लग जाती है कि इस पुल से आप क्रॉस नहीं कर पाओगे, आपको जाने के लिए सिर्फ पैदल ही जाना पड़ेगा। अच्छा, पैदल जाना पड़ता है। बिल्कुल, और इस पुल की लंबाई तकरीबन 1 किलोमीटर है पूरी, आप 1 किलोमीटर है। पानी तो सूख गया यार जगह जगह, मतलब अभी क्या है ना, जब बरसात का मौसम होता है ना, जब ये पूरी की पूरी भर जाती है, और अभी बरसात का मौसम है नहीं, इसीलिए थोड़ा पानी चलता है। एक ये धार है और उधर है एक दो धार है। अच्छा, तो मतलब कुछ लोगों ने देखो इसमें भी खेती कर रखी है, मतलब है ना। हाँ, इसके अंदर खेती होती है। बहुत सारे लोगों के जो यहाँ के आस पड़ोस के किसान है ना, हाँ, उनके खेत रहते हैं। अच्छा। ऐसा होता है, एक तरफ खेत कटते जाते हैं, दूसरी तरफ वो लोग अपना खेत शिफ्ट कर लेते हैं। अच्छा। और ज्यादातर यहाँ तरबूज की खेती होती है। ये जो मतलब नदी के किनारे है, हाँ, जो बालू रहती है, हाँ, उसके अंदर तरबूज की खेती होती है। अच्छा। हाँ, तरबूज के पेड़ गाड़े जाते हैं और तरबूजों को गड्ढे खोद के और उसमें जमीन में रखा जाता है बालू के अंदर छिपा के। अच्छा। हाँ, बहुत ज्यादा तरबूजों की खेती होती है। तो यहाँ पे तरबूजों की खेती हो रही है, जो मतलब खेती कर रहे हैं, तरबूजों की खेती कर रहे हैं। और मिट्टी कौन सी है, ये वाली जो मिट्टी है, बालू वाली मिट्टी है, ये बालू मिट्टी है ना, जिसमें तरबूज की खेती हो गई, मूंगफली होती है ना, जो मूंगफली मूंगफली वगैरह होती है, तरबूज की खेती होती है, खीरा वीरा, जो सॉफ्ट जमीन में होने वाली फसलें होती है ना, वो इधर ज्यादातर उगाई जाती है। अच्छा अच्छा। जो सॉफ्ट जमीन में फसलें उगाई जाती है वो वाली। अच्छा, सारे के सारे। तो अभी हम चल रहे हैं रास्ते में, क्योंकि अभी भी हमारे साथ फिर से चोट हो गई है। ऑटो वाले ने हमको पहले उतार दिया, लेकिन अभी हम जहाँ जा रहे हैं ना, तो पहले उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी जो रास्ता पीछे आप देख रहे हैं ना, ये आ रहा है भाई कन्नौज से, कन्नौज रेलवे स्टेशन से आ रहा है हरदोई की तरफ, और ये रास्ता निकल जाता है हरदोई को। तो अभी हम यहाँ क्यों जा रहे हैं भाई, विकास भाई का जो घर है ना, वो हरदोई जिले के रीजन में पड़ता है, मतलब आखिरी बॉर्डर में है, मतलब लास्ट रीजनल बॉर्डर पे ही है। और जो गांव का नाम है वो इसरापुर है। तो कहने का मतलब, विकास भाई जो है ना, वो इसरापुर के रहने वाले हैं। तो अभी हम चलते हैं और फिर उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। शायद मेरे को लगता है विकास भाई बैठे हैं वहाँ पे, है ना। हाँ हाँ भैया, अभी चलते हैं और आपको उनकी पोजीशन दिखाते हैं। देखो किस पोजीशन में बैठे हैं, खाली एक बोतल की कमी है हाथ में बस, बाकी पीछे बैठे। हाँ, उठ गए समय से, देख के कैमरे को देख के उठ गए भाई, नहीं पोजीशन अच्छी थी, सही बैठे थे यार।